प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गुणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पीता भवन जब गई भवानी दक्ष रास कहो ना सदनानी सादर भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, वही बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष सती बिलो की जरे सब गाता सती जाई देखो तब जागा कतम नदी कसाब करवागा। दक्ष ने तो उनके कुछ कुशलता नहीं पूछी, सती जी को देखकर उनके उनके सारे अंड जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कई शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ा प्रभु अपमान जो कहा था वही उनके समझ में आया। स्वामी का अपमान समझ कर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। जग सब ते कठिन जाति अवमाना समझ सती मयमति क्रोधा बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है यद्यपि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है यह समझ कर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। मंगल भवन आया मंगलारी दबम सा
होई प्रभु दशामा, सकल सबई हटक तब रामा, बोली वचन सक्रोध श्यामा। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारे सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, सुनो सभा सद सकल मुनीता, कहीं सुनि दीन शंकर नीता, सो बल तुरत लब सब कहूँ, भली भांति पचिता पिता। हे सभासद और सब मुनिवरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी के निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत सामु श्री पति अपवादा, सुनिया जाता सिमर जाता, काटियता सुजीव जब साई, सरवण मुदित चलिया पराई। जा संत श्री जी और लक्ष्मी पति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वह ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वालों को जीव काट ले, और नहीं तो कान मुद कर वहां से भाग जाए। जगदम्बा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पीता मंद मति निंदत तेहु, दच शुक्र संभवय देहु। त्रिपुर दैत्य के मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है, वे जगत पिता और सबका हित करने वाले। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दच ही के व्यर्थ उत्पन्न है। तजिया तुरात देहु तेने ती, उरुधर चंद्र मौल विश्व के अस कही जो सकल मकहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष के शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने योगा गृह में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी योग्य सलाम आकार मच गया। मंगल भवन मंगलारी द्रवण सदा सर